हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज इस वीडियो सेगमेंट में आपसे काफ़ी सीरियस मुद्दे पे कुछ बातें जो है वो करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास टेंथ का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ का भी जो एग्ज़ाम है वो आपका होने के कगार पे है। कई स्कूलों में इलेवेंथ क्लास के एग्ज़ाम हो गए हैं और कई स्कूलों में ट्वेल्थ के एग्ज़ाम जो है वो अभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन कंटिन्यू है, वो भी बहुत जल्द कई जगहों पे ख़त्म भी हो गए हैं और कई जगहों पे बचे हुए हैं। टेंथ के भी कुछ एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं और आज जिन बातों पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और स्पेशली इन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और मैं बोलूँगा कि आप इस वीडियो को जब आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो में, मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आप भी इस वीडियो के अंदर ही आएंगे और आपको पता चलेगा कि आपको अगला नेक्स्ट स्टेप जो है अपनी लाइफ में किस तरीके से उठाना है। मैं आपको एक आंकड़े की तरफ लेकर के चलता हूँ कि इलाहाबाद सिटी के अंदर या प्रयागराज सिटी के अंदर जब इस बार बोर्ड का रिजल्ट आया था, पिछली बार बोर्ड का रिजल्ट आया था तो उस वक्त अखबार में एक हेडलाइन थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के कारण बहुत सारे विशेषज्ञों ने या बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मिल करके इन बातों के बारे में लिखा था कि बहुत सारी जो ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन है या ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उनके चक्कर में बच्चे ज़्यादा पढ़ने लगे, जिसके कारण उनका जो रिजल्ट था वो कहीं ना कहीं काफ़ी अफेक्ट हुआ। मैंने काफ़ी चीज़ों को एनालाइज किया और ये बात मैं बहुत पहले से ही जानता था। काफ़ी बच्चों को मैंने पढ़ाया अन अकेडमी के ऊपर, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मैंने बच्चों को पढ़ाया के रिजल्ट्स मैंने कंपेयर किए और कंपेयर करने के बाद कहीं ना कहीं इस बात को मैं भी मानने को तैयार हो गया कि कहीं ना कहीं बच्चों के परसेंटेज बोर्ड में कम आने का रीज़न बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। लेकिन मेरे लिए एक बात और समझनी ज़रूरी थी कि बच्चों का भविष्य उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे IIT, NEET या फिर अदर कॉमर्स के अदर एग्ज़ाम्स जो है उनको अफेक्ट ना करे, क्योंकि उनका फ्यूचर बेसिकली वही है। अगर वो अच्छा हो रहा है तो सब कुछ अच्छा होगा। तो हुआ यूँ कि जब कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम पे हुआ यूँ कि जो बच्चे कोविड के बाद आए, जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया या और एजुकेटर्स ने उनको पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों में वो जो एबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं जो है अनडेवलप सी दिखी। ठीक है, हो सकता है मेरी कई बातों को लोग एग्री ना करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे क्लास में कुछ बच्चे अच्छे होते हैं और क्लास में कुछ बच्चे खराब होते हैं, तो उसी तरह मेरे वीडियो को कुछ लोग जो है वो एग्री करेंगे, जिनको इफेक्ट हुआ और जिनको इफेक्ट नहीं हुआ वो अच्छे बच्चे थे, उनको कोई दिक्कत इस वीडियो से नहीं आएगी और आ भी सकती है। चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। तो हुआ यूँ कि जब कोविड का टाइम शुरू हुआ स्टार्ट हुआ तो कोविड के टाइम के बाद से जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया या जिन बच्चों को मैं स्पेशली मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा उनमें मुझे ज़्यादातर बच्चों में अफेक्शन दिखा कि उनके पास सब कुछ था, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन थी, लाइव वीडियोस थे, उसके बाद भी बच्चों के रिजल्ट्स और उनकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ा। मैं इस बात को भी एग्री करता हूँ कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो उस समय ऑनलाइन बन के आए, जिन्होंने बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को सब्सक्रिप्शन देने की कोशिश की, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी बच्चों के ऊपर और उन्होंने अच्छा कंटेंट बनाया और वो अच्छी चीज़ लेकर के आए, बच्चों ने जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने पढ़ाई की। तो इससे एक कंक्लूजन निकल के सामने आता है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो बच्चे को आप कुछ नहीं रोक सकते हो, वो अच्छी चीज़ें ही देखता है YouTube पे जाकर के, वो अपने मतलब की चीज़ें देखता है YouTube पे जाकर के, उसको बाकी सामाजिक चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे बच्चों को आप जिस जगह भी भेज देंगे वो एग्ज़ाम को हिट कर देंगे, क्वालिफाई कर देंगे। ठीक है, अगर उनको आगे जा करके कोई उकसाए नहीं या इस तरह का चीज़ ना करें तो वो अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे। तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं बात ऐसे बच्चों की कर रहा हूँ जो इन सभी चीज़ों से अफेक्ट हुए और वो और अफेक्ट कर सकते हैं अपने मदर फादर और अपने कैरियर को। तो इसी के बारे में थोड़ा शांति और सुकून से हम लोग आज इस वीडियो में बात करूँगा। थोड़ी सी बातें ज़्यादा लंबी हो सकती हैं तो ध्यान से आप सुनिए। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर अभी टेंथ हो चुका है, मैं इस कोचिंग में दाखिला लेना चाहता हूँ, क्योंकि सर उस कोचिंग का जो डेटा है वो कहते हैं कि वो 2000 बच्चों को क्वालिफाई करा करके देते हैं, मतलब उन्होंने पिछले साल 2000 बच्चों को क्वालिफाई कराया। अब इसमें धांधली कहाँ पे आई, अब आप समझिएगा जरा सा। दरअसल बात ये होती है कि ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की बहुत सारी ब्रांचेस पूरे इंडिया के अंदर खुली होती हैं, पूरे इंडिया को मिला करके इनके 2000 से भी कम बच्चे क्वालिफाई करते हैं
और उसके बाद ये अपने सभी जितनी ताकत जितनी पूरी ऑब्जर्वेशन होती है पूरे इंडिया की ऑल इंडिया की ये निकालते हैं और डेटा डाल देते हैं 2000 प्लस सब्सक्रिप्शन फलाना कोचिंग इंस्टीट्यूट। और बच्चे को लगता है कि उसी की सिटी में 2000 बच्चे क्वालिफाई किए जबकि दरअसल उसकी सिटी में शायद 100 या 50 बच्चे भी क्वालिफाई नहीं करते। और पढ़ने वालों की संख्या आप पूछिए ही मत, एक सिटी के अंदर कम से कम नहीं तो 50,000 बच्चे उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ करके जा रहे हैं। समझ में आया कितना बड़ा बिजनेस। और हम अंधों की तरह ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो ऑनलाइन में अपना बहुत बड़ा नाम बना चुके थे, हमको लगता है कि उनकी ऑफलाइन ब्रांचेस भी इसी तरह चलती है। जबकि जिस आदमी के नाम के बेसिस पे उस कोचिंग को शुरू किया गया था वो आदमी उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाता, वहाँ पढ़ाने वाला हमारे आप जैसा ही एक नॉर्मल टीचर होता है, लेकिन एक कोचिंग के ब्रांड का नेम उसके ऊपर आ जाने से वो जो है, जबकि हम अपने उन टीचर्स जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिन्होंने बड़े एग्जाम हिट करके एक इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं, हम ऐसे टीचर्स से एजुकेशन ना ले करके ऐसी जगहों से एजुकेशन्स को ले लेते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? जी हाँ, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में किसी का बड़ा नाम ऑनलाइन में देख रहे हैं तो बिल्कुल ट्रस्ट मत करिएगा कि वो ऑफलाइन में ही उतना बड़ा नाम हो। उसके रिजल्ट उसके डेटा को एनालाइज करने के बाद ही आप ऐसा कदम उठाएगा। बोलेंगे सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम जब बच्चे हाई स्कूल में जा रहे हैं तो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो बच्चों को ये कह के बरगलाते हैं कि आप मेरे यहाँ पे आइए, आप ट्यूशन फीस मत दीजिएगा। आप अगर कोई कैसे कंपेयर करते हैं मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। वो आपके माँ बाप को पकड़ेंगे, आपके माँ बाप जाएंगे, आप भी जाइएगा और इसको आजमाइएगा। वो आपके माँ बाप को पकड़ेंगे, वो आपको पूरा ब्यौरा देंगे। क्या देंगे ब्यौरा? कि अगर आप अपने बच्चे को ट्यूशन लगाएंगी माता जी तो ट्यूशन लगाने से क्या होगा कि आपके बच्चे को हर महीने आपको तो उसके पीछे जो है 8 से 10 हज़ार रुपये ट्यूशन फीस खर्च करनी पड़ेगी। उस हिसाब से अगर आप 12 में जाएं 12 महीने का देखेंगी तो आपको 1 लाख रुपए प्लस चला जा रहा है, हमारी फीस तो 90,000 है। ऐसे समझिए मेरी बात। तो फिर मान लीजिए आप अपने बच्चे को और कुछ कराएंगी तो उसके लिए भी देना पड़ेगा, है ना। ऐसे वो आपके माँ बाप को बरगला देते हैं। आपके माँ बाप बेचारे भोले भाले सीधे साधे बच्चों की आंखों में देख करके, बच्चों को लगता है कि अरे मैं इतनी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भेज दूंगा मेरा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बन ही जाएगा, ठीक है, ऐसा सोच के माँ बाप उसका एडमिशन करा देते हैं। बट यही तो काली सच्चाई है, यही काली सच्चाई है। दरअसल हुआ यूँ कि जो आप 12,000 रुपये दे करके या 9,000 रुपये दे करके एक ट्यूशन इंस्टीट्यूशन अपने घर पर बुला करके एक ट्यूटर को जो सिलेबस आप पूरा NCERT टू NCERT खत्म कर सकते थे, स्पेशली नीट के बच्चों के लिए जो पूरी NCERT आप खत्म कर सकते हो ना ट्यूटर को लेकर के, वो आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं ले सकते हो। आपको पूरा एक पर्सनल गाइडेंस देता है एक ट्यूटर। हम ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं और वो दूसरी तरफ। अब आप बोलोगे सर ट्यूटर के ऊपर ट्रस्ट, ये भी एक चीज़। मैं आपको उससे भी बड़ा एक रीज़न बताता हूँ। जब ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको बुलाती है आप वहाँ जाते हो तो इनके टाइमिंग आपके स्कूल की टाइमिंग से मैच करता रहता है और ऐसे टाइम पे आप अपने स्कूल में दी जाने वाले एजुकेशन जो वेल एजुकेटेड टीचर आपको पढ़ा रहा है जो इंटरव्यू दे करके उस स्कूल में आया है आप ऐसे टीचर्स के लेक्चर को मिस करते हो और वहाँ पे जाके पढ़ते हो। मतलब जो आपको दो लेयर पढ़ते आप एक स्कूल में और एक ट्यूशन में, अब आप एक जगह केवल पढ़ रहे हो 90,000 रुपये में। आप 20,000-25,000 बचाने के खातिर आप अपना दोगुना घाटा कर बैठते हो। आई थिंक अब आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। और वो भी बराबर कैसे हो गया, आप एक डमी स्कूल में एडमिशन लेते हो। डमी स्कूल मतलब ऐसी स्कूल जहां आपको क्लास करने की जरूरत नहीं है, आप बस फीस दे दीजिए, आपका एनरोलमेंट चलता रहेगा और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। आपका पैसा बचा कहां, आपके पैसे हो गए खर्च। 2 सालों का डमी स्टूडेंट का अगर आप देखेंगे फीस तो आप चौंक भी जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब टोटल इतना है कि बिल्कुल सही डेटा था और डेटा यही सही था कि आप अपने स्कूल एजुकेशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। मैं IIT JEE को थोड़ा सा दूर रखता हूँ, मैं यहाँ पे नीट की बात करता हूँ क्योंकि मैं नीट को पर्सनली पढ़ाता हूँ और जनरली मैं उसी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे रहती है तो मैं उसी के बारे में ही आपसे कंसल्ट करूँगा। जो भी बच्चा ऐसा है जो बायोलॉजी बैकग्राउंड को फॉलो करता है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेटा आप बिल्कुल मत डरिए क्योंकि मैं अब आपको एक सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया उन बच्चों में मैंने
कुछ बच्चों को देखा जो एक काम करते थे। बहुत सिंपल सा एक मैकेनिज्म जिससे उनका पैसा, टाइम सब बचता था और उनकी जो पढ़ाई थी वो कहीं ना कहीं बूस्ट होती थी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अपना नाम ऑनलाइन में बहुत बड़ा बना लिया है और उनके ऑनलाइन कंटेंट वाकई में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ऑफलाइन कंटेंट एकदम से बेकार है। जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ पे कॉमन टीचर ही पढ़ाता है आपको, लेकिन वहाँ की फीस तकरीबन आपको 90,000 से लेकर के देनी पड़ती है, प्लस देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका बिजनेस चलता है। तो आपको वहाँ पे नहीं जाना है, पहली चीज़ आपको अपनी एबिलिटी समझना है कि क्या आप नीट के लिए तैयार हैं, क्या आप पूरी NCERT को ईमानदारी से पढ़ेंगे, आप किसी के देखे और बहकावे में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं समझते कि डॉक्टर बन जाने से दुनिया का आप सारा जो है दुख हर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हो, आप दूसरा डिपार्टमेंट चुन सकते हो, ह्यूमैनिटी चुन सकते हो, आप हर एक डिपार्टमेंट चुनिए, पढ़ने की ज़रूरत और मेहनत की ज़रूरत हर चीज़ में होती है। अब सवाल इस बात का कि जो बच्चे नीट करना चाहते हैं उनके लिए मैं क्या सोल्यूशन दूँ। देखिए, हाई स्कूल के एग्जाम के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन जिनका नाम बड़ा है, आई थिंक आप मेरे सिंबल को समझ रहे होंगे, जिनका नाम थोड़ा बड़ा है, आप उनके ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन को लोगे, स्पेशली PW, ठीक है। इनके ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस को आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, जैसे कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे भी मिलेगा, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन चीज़ों को बना रखा है जिनके ऊपर भी आपको ट्रस्ट हो, जिनका भी कंटेंट आपको पसंद आता हो। मैं कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देता, मेरा तो वीडियो ऐसे ही पड़ा है, आप देख सकते हैं। जिनके सब्सक्रिप्शन है उनके भी बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं, और सब्सक्रिप्शन अगर आप ले भी लेते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये का सब्सक्रिप्शन इनका आता है, आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है। और मैं किसी को भी प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक बच्चों का रिव्यू लिया है वहाँ पर वो उस चीज़ को अच्छा कहते हैं, ठीक है। तो आप उनके चीज़ों को लीजिए ऑनलाइन वाले। आप अपना एक घर पर एक टाइमिंग बनाइए, हाई स्कूल के बाद ही पहले 11th का पूरा सिलेबस लीजिए आप, और अपना टाइमिंग बनाइए कि हमको स्कूल में इतने से इतने टाइम हम रहते हैं। जैसे मान लीजिए 8 से 2 बजे तक आपकी स्कूल है, आप 2 बजे तक स्कूल में रहिए और आराम से देखिए, कोई कोचिंग आप ज्वाइन करते हैं ना, कोई टीचर आपको पर्सनली कुछ नहीं बताता है, सीधी सी बात है, आप मेरी बात ध्यान रखें, जहाँ 100-200 बच्चे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने रात में आना है और अपना जो भी टॉपिक स्कूल में चल रहा हो उससे रिलेटेड वीडियोज़ आप देखिए, और एक वीडियो उससे एक्स्ट्रा देखिए, ताकि जब आप अपने स्कूल पे जाइए तो अपने टीचर्स को भी आप गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, सर हमने तो वहाँ यहाँ ये पढ़ा, आप हमको ये पढ़ा रहे हैं, सर ये वाला डाउट है, 100% श्योर टीचर आपको ई टू चेट जवाब जरूर देगा, ठीक है, याद रखिएगा। और नहीं देता है तो अपने स्कूल मैनेजमेंट से आप अपनी शिकायतें करिए कि हमारे टीचर हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल इसको फिक्स करेगा। तो ये काम आप करिए, ऑनलाइन वीडियोज़ देख के जाइए, टीचर्स स्कूल में पढ़िए, आपकी जो डबल लेयर तैयार होगी वो आपकी पूरी NCERT में मास देगी, मतलब आपको एकदम से वो तैयार और कंप्लीट कर देगी आपकी NCERT को लेकर के। और आप 11th के बाद 12th में जाइए तो 12th में भी नीट के बच्चे यही काम रिवाइज करें। आफ्टर 12th आप एक देखेंगे, आप ये नीट का एग्जाम देते ही कि आपके 500-600 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे, मतलब अब आप बचे हैं 10 से 20 नंबर मार्क्स में, जिसके लिए बस आपको क्या करना है कि आपको करना ये है कि आप एक साल टारगेट बैच लीजिए, कोई भी एक टारगेट बैच जो नॉर्मली कैजुअली आपको पढ़ना है, और 11th और 12th को मिला के आप एक बार पढ़ लीजिए और अगले साल आपका एग्जाम हिट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बचेगा ही नहीं कुछ भी। तो ये है एक तरीका जो कम बजट में स्कूल के साथ में डिसिप्लिन के साथ में आपको एग्जाम क्वालिफाई करेगा, बहुत यही सिंपल तरीका है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। और आप उसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाते हो, कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हो मैं बता रहा हूँ, आज के बच्चे क्या कर रहे हैं वो भी आप सुनते जाइए। पहली चीज़ जाएंगे डमी स्टूडेंट्स, सर डमी स्कूल में एडमिशन लेना है, ओके डमी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, आप डमी में एडमिशन ले लीजिए। आपने डमी में एडमिशन ले लिया, 20-25 हज़ार रुपये डमी स्कूल को फेंका, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि बच्चा पहुँचा कोई भी एक जो जिसका नाम बहुत बड़ा उसमें वो पहुँचा अपना बच्चा जो है, और वो जो है वहाँ पहुँचने के बाद अपना 90,000-1,00,000 रुपये वहाँ फेंका, सर हमें 11th पढ़ना है, ओके ठीक है आओ बेटा 11th पढ़ो, बेटा गया 11th पढ़ने के लिए, टीचर चल रहा है, और टीचर को मतलब नहीं कि NCERT चल रही है नहीं चल रही है, सब उसी में चल रहा है, भीड़ जैसा सब एकदम उसी चाल में चले जा रहे हैं। आफ्टर 11th बच्चा डमी स्कूल हो चाहे जो एग्जाम, तो 12th का देना पड़ेगा, 12th आते ही बच्चे को एक एग्ज़ाम का टेंशन, क्योंकि उसको 11th में
हिंदी देखना है, इंग्लिश देखना है, उसने कभी पढ़ी नहीं हिंदी इंग्लिश। अब वो लगा अपना हिंदी इंग्लिश मेंटेन करने की बोर्ड का रिजल्ट, क्योंकि चिंता सबको होती है भाई, है ना। तो बोर्ड के रिजल्ट के चक्कर में पड़ेगा और उसको पढ़ते पढ़ते इलेवंथ भूल गया। लो 90,000 रुपये दिया था, इलेवंथ का डेटा खत्म, उसके ध्यान ही में नहीं है। अब वो ट्वेल्थ का पढ़ रहा शुरू किया, ट्वेल्थ का डेटा उसके अंदर। अब अगले साल जब वो टारगेट बैच उसी कोचिंग से फिर टारगेट बैच करेगा, 90,000 फिर से देगा। इस तरह से ये जो बच्चे जो बहुत तेज भागते हैं ये जाके गिर जाते हैं। अब आप बोले कि सर इसका मतलब कई लोग क्वालिफाई करते हैं, मैंने क्या कहा, एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं 10 में एक बच्चा क्वालिफाई वाला होता है, ये हमें नहीं पूरी दुनिया को पता है। तो अगर 10 बच्चे में एक का रिजल्ट अच्छा आएगा तो तुम उसको किसी कुएं में झोंक दो, इसीलिए मैंने पहले वर्ड यही आपको बोला, उसको कहीं झोंक दो बस पढ़ेगा। उसको कोई कोचिंग नहीं दोगे वो तब भी क्वालिफाई करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ है कि हमको कैसे पढ़ना, उसने सीख लिया है। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि आप कहीं रहिए, अपनी मेहनत को देखिए, अपनी एबिलिटी को देखिए कि क्या आप उस एग्ज़ाम को हिट कर सकते हैं, और जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके के फॉलो करते हुए आप बढ़ सकते हो, अगर आप मेरे पर ट्रस्ट करते हो तो। और अगर आप किसी भी टीचर से पूछोगे, अगर वो उस कोचिंग का ना रहा तो ठीक है, तो आपको एक सही गाइड करेंगे। और आप लोगों के और वीडियोज के झांसे में ना आइए, ऑनलाइन में मैं जैसे झूठ बोल सकता हूँ और कोई भी झूठ बोल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जीवन में सब बहुत सत्य बोलते हों, सबको अपनी अपनी दुकानें चलानी होती हैं, चलाते भी हैं लोग जो है। तो मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि ऐसा एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और गार्जियन मुझसे पूछते तो हैं लेकिन फिर उसके बाद अपने मन से स्टेप को फॉलो करते हैं। और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, ये बेटा प्रैक्टिकली एनालाइज्ड है, ये प्रैक्टिकली एनालाइज्ड है, क्योंकि इस सिस्टम से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो प्रैक्टिकली एनालाइज्ड चीज़ है, और मैं हमेशा बच्चों के लिए सोचता हूँ, उनके गार्जियन के लिए सोचता हूँ, गरीब माँ बाप के लिए भी सोचता हूँ, जो आज 1 लाख 1.5 लाख जोड़ने में जिसको बहुत टाइम और वक्त लगता है, ऐसे माँ बाप का आप पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। इस चीज़ की आप कसम खाइए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।